हाँ तो भाई, कैसे हो सब लोग। आज इस वीडियो में हम Redmi Note 9S का पोस्टमार्टम करने वाले हैं, मतलब कि हम फ़ोन का करेंगे रिव्यू। अगर चैनल पर नए हो तो टेलको गुरु को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। Redmi Note 9S बस कुछ ही दिन पहले Redmi ने पाकिस्तान में मुतारिफ करवाया। ये फ़ोन Redmi Note 8 का सक्सेसर है और इसकी प्राइस ब्रैकेट भी सिमिलर है। डिस्काउंट के साथ ये फ़ोन आपको मार्केट से लगभग 38,000 रुपये में मिल जाएगा। फ़ोन तीन कलर्स में अवेलेबल है, जिनमें ग्लेशियर वाइट, इंटरस्टेलर वाइट और अरोरा ब्लू, यानी कि हमारा आज का फ़ोन। बॉक्स में आपको सबसे पहले एक एनवेलप मिलता है, जिसमें एक सिम इजेक्ट टूल, पेपर वर्क और एक TPU केस है। केस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा बॉक्स में है एक फ़ोन, 18 वॉट का फास्ट चार्जर और एक USB Type-C केबल। सबसे पहले बात करते हैं फ़ोन के डिज़ाइन एंड बिल्ड की। Redmi Note 9S ग्लास से बनाया गया है। फ्रंट और बैक पे गोरिल्ला ग्लास 5 है, फ्रेम प्लास्टिक का है और इतनी खूबसूरती से बनाया गया है कि मेटेलिक लगता है। इस फ़ोन का वज़न 211 ग्राम्स है और वेट की वजह से फ़ोन में प्रीमियमनेस महसूस होती है। फ़ोन की शाइनी ब्लैक लिटरली एक फिंगरप्रिंट मैग्नेट है। अगर आप इसका कैमरा कटआउट देखें तो आपको बहुत अजीब लगेगा। Redmi हमेशा एक बोल्ड डिज़ाइन लेके सामने आता है और ये चीज़ मुझे हमेशा से ही पसंद। ये अच्छा खासा बड़ा फ़ोन है। याद रखिएगा कि फ़ोन वाटरप्रूफ नहीं है, अलबत्ता ये स्प्लैश प्रूफ ज़रूर है। बटन्स और पोर्ट्स की बात की जाए तो फ़ोन का पावर बटन और फिंगरप्रिंट स्कैनर राइट साइड पे हैं। इसके ऊपर ही वॉल्यूम रॉकर है। इस फ़ोन के सिम कार्ड स्लॉट लेफ्ट पे है और इसमें 2 नैनो सिम कार्ड्स और एक microSD कार्ड डल सकता है। बॉटम पे हेडफोन जैक, USB Type-C पोर्ट, माइक और स्पीकर ग्रिल हैं। टॉप पे IR ब्लास्टर और सेकेंडरी नॉइज कैंसिलेशन माइक है। फ़ोन की बैक पे बस ये 4 कैमराज, LED फ्लैश और कुछ Redmi की ब्रांडिंग देखी जा सकती है। फ्रंट पे एक 6.67 इंचेस का पंच होल डिस्प्ले है, जिसको Redmi डॉट ड्रॉप डिस्प्ले कहता है। जहाँ तक फ़ोन की स्क्रीन का ताल्लुक है, ये एक फुल HD IPS LCD पैनल है और इसका साइज 6.67 इंचेस है। डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ऑब्वियसली इस बजट में इस टाइप के स्पेक्स के साथ सुपर एमोलेड पैनल का मिलना मुमकिन नहीं है। मुझे डिस्प्ले परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी लगी, कलर एक्यूरेसी भी काफ़ी हद तक अच्छी है। डिस्प्ले को इनडोर या आउटडोर यूज़ करने में मुझे कोई दिक्कत पेश नहीं आई। इवन मुझे व्यूइंग एंगल्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। इतनी बड़ी स्क्रीन पे HD वीडियोस बहुत ज़बरदस्त चलती हैं यार, मज़ा आ जाता है, यकीन करो मज़ा आ जाता है। गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। डिस्प्ले थोड़ा सा मज़ीद शार्प हो सकता था, लेकिन हमें फ़ोन की प्राइस को भी जहन में रखना है। डिस्प्ले में डिफरेंट मोड्स भी आते हैं, आप कलर टोन चेंज कर सकते हैं। फ़ोन में डार्क मोड भी मौजूद है, लेकिन LCD डिस्प्ले पर डार्क मोड का कोई प्रैक्टिकल फ़ायदा नहीं है। ब्राइटनेस 450 nits तक जाती है। Redmi ने फ़ोन के बेजल्स और बॉटम चेन को काफ़ी हद तक छोटा कर दिया है। मॉडर्न डे डिज़ाइंस के हिसाब से Redmi Note 9S एक बेहतरीन फ़ोन है। जी तो चलते हैं फ़ोन के परफॉर्मेंस की जानब। इस फ़ोन में स्नैपड्रैगन 720G चिपसेट है। ये 8 नैनोमीटर चिपसेट है और इसका Antutu स्कोर 1,97,000 है। जी हाँ, ये स्कोर Redmi Note 8 Pro से तकरीबन 80,000 कम है। लेकिन जहाँ हमें पावर एफिशेंसी मिलती है, इस फ़ोन पर मैंने 2 से 3 घंटे के लिए PUBG और कॉड मोबाइल खेली। फ़ोन बैटल रॉयल मोड में 40 FPS से ऊपर नहीं जाता और ये इशू स्नैपड्रैगन 730G में भी है। अलबत्ता कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के मल्टीप्लेयर मोड में 60 FPS मेंटेन रहता है। इस फ़ोन की टेम्परेचर मैनेजमेंट कोई बहुत आला नहीं है। फ़ोन 45 डिग्रीज तक जाता है और इस पॉइंट पे आपको गेम बंद करनी पड़ जाती है, लेकिन ऐसी सिचुएशन 2 से 3 घंटे गेम प्ले के बाद ही बनती है। गेम या प्रोसेस को किल करते ही फ़ोन ठंडा हो जाता है। गेम्स को अगर आप हाई ग्राफिक्स पे खेलें तो स्मूथ चलेगी, लेकिन अगर आप PUBG जैसी गेम को HD पर लेके जाएं तो वो लैग कर सकती है। मेरे ख्याल में एक एवरेज यूज़र और एवरेज गेमर के लिए ये कोई इतना बड़ा मसला तो नहीं है। आप आराम से इस फ़ोन को गेमिंग या हैवी टास्क के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। Redmi Note 9S का स्पीकर काफ़ी लाउड है। फ़ोन में हेडफोन जैक भी है और आप हेडफोन यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन मज़े की बात, आपके तो डब्बे में हेडफोन हैं ही नहीं ब्रो, आपको तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे यहाँ पे। सॉफ्टवेयर एंड पे हमें एंड्रॉयड 10 मिलता है, जिसको MIUI 11 से थीम किया गया है। ये टिपिकल MIUI 11 है, जिसमें आपको काफ़ी कलरफुल एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। एंड्रॉयड 10 इस फ़ोन पर आउट ऑफ बॉक्स ओवर 20 GB ऑक्यूपाई करता है और आपके पास यूजेबल स्टोरेज तकरीबन 105 से 106 GB रह जाती है, लेकिन आप स्टोरेज को अप टू 512 GB एक्सपेंड कर सकते हैं। इस फ़ोन में हैं 4 कैमराज। अरे भाई, 4 कैमराज दिए गए हैं। मेन कैमरा 48 MP सैमसंग GM2 सेंसर, 8 MP का अल्ट्रा वाइड, 5 MP मैक्रो और 2 MP का डेप्थ सेंसर लगाया गया है। फ्रंट पे 16 MP का कैमरा है। सैमसंग GM2 48 MP का सेंसर जनरली वार्म इमेजेस प्रोड्यूस करता है।
एज डिटेक्शन बहुत उमदा है, कलर्स भी अच्छे हैं और 48 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन में डिटेल्स भी कमाल की हैं। अलबत्ता अल्ट्रा वाइड कैमरा नहायत फारिक तरीन है यार, इससे बेहतर था कि रेडमी यहाँ पे टेलीफोटो लेंस लगा देता। अल्ट्रा वाइड कैमरा का ना तो कलर्स ठीक हैं ना ही रेजोल्यूशन। फ्रंट कैमरा का रिजल्ट बहुत अच्छा है, सेल्फीज़ बहुत ज़बरदस्त आती हैं और पोर्ट्रेट मोड भी काफ़ी अच्छा चलता है, तस्वीरों में डेप्थ इफेक्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। फ़ोन की कैमरा बहुत पावरफुल है, इसमें प्रो मोड होने के साथ साथ वीडियो प्रो मोड भी आता है, मैक्रो वीडियोस भी रिकॉर्ड की जा सकती हैं। इसके साथ साथ इस ऐप में इन बिल्ट इन डॉक्यूमेंट स्कैनर भी है। Redmi Note 9S में 5020 mAh बैटरी है, इस कैटेगरी में ये वन ऑफ द बिगेस्ट बैटरीज है। मेरे बहुत ही स्ट्रेसफुल बैटरी ड्रेन टेस्ट में ये बैटरी 9 घंटे 46 मिनट चली। इस टेस्ट में मैंने फ़ोन को 4G पे चलाया और उसके साथ साथ फ़ोन पे मैंने वीडियो कॉल भी और ऑडियो कॉल्स भी की। चार्जिंग अलबत्ता काफ़ी लो है, फ़ोन को 0 से 100 तक लेके जाने में 1 घंटा और 50 मिनट चाहिए। मेरे अंदाज़े के मुताबिक एवरेज यूज़ पे ये बैटरी 2 दिन और हाई यूज़ या एक्सेसिव यूज़ पे ये 1 दिन चला सकती है। सिक्योरिटी के लिए Redmi Note 9S में साइड माउंटेड ऑप्टिकल रीडर है, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट तो नहीं लेकिन फिर भी काफ़ी बेहतर है। इसके अलावा फेस आईडी अनलॉक का ऑप्शन भी मौजूद है। इसके साथ ही चलते हैं रिव्यू के अहतमाम की जानेब। Redmi Note 9S 38,000 रुपये के बजट में एक अच्छी चॉइस है, लेकिन आप इसी बजट में Redmi Note 8 Pro को भी कंसीडर कर सकते हैं। ऑल दो वो फ़ोन 1 साल पुराना है, लेकिन Redmi Note 8 Pro अभी भी एक पावरफुल स्पेकशीट मेंटेन करता है। अगर आपको बिल्कुल न्यू डिज़ाइन एंड बिल्ड चाहिए तो सबसे बेहतरीन चॉइस Redmi Note 9S है। ये फ़ोन एब्सोल्यूट वैल्यू फॉर मनी है और अभी इस वक्त मुझे इसका कोई खास कंपेटिटर नज़र नहीं आता। उम्मीद है आपको हमारा रिव्यू पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, बहुत पसंद आया तो सब्सक्राइब करें और अगर बहुत पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें यार। इसके साथ ही मैं इजाजत चाहूंगा, मुलाकात होगी आपसे अगले रिव्यू में। फी इमानिल्लाह।